बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात ने शनिवार को कहर बरपाया। प्रदेश के ठनका गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। विक्रमगंज में 6, गया में 3 और औरंगाबाद में 1 की जान गई। वहीं नवादा और जमुई में 1-1 की मौत हो गई। कई लोग काराकाट से खरीदारी करके घर वापस लौट रहे थे और मौसम खराब होने के कारण पेड़ के नीचे खड़े रहे। इस दौरान ठनका गिरने से 32 वर्षीय ओम प्रकाश और 33 वर्षीय अरविंदर शाह की मौत हो गई। वहीं मोहिनी पश्चिम टोला स्थित खलिहान में खड़े 6 वर्षीय अभिषेक कुमार की मौत हो गई। कहुआरा गाँव में वज्रपात से 20 वर्षीय मजदूर सुनील चौधरी की मौत हो गई। दिनारा में वेनसागर गांव में किसान और सूर्यपुरा में मठ जोठनी गांव में ठनका से 14 वर्षीय आकाश गिरी की मौत हो गई। उधर गया में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। बोध गया में गंगा बीघा में बिगन चौधरी और चरकी खाप गांव में अरमान कुरैसी की जान गई। वहीं फतेहपुर में पशुपालक हीरालाल यादव की वज्रपात से मौत हो गई। उधर गोह की बाजार वर्मा पंचायत के मोहम्मदपुर निवासी विनय यादव 13 वर्षीय पुत्र सुधीर कुमार की ठनका से मौत हो गई। इस बीच रविवार को कई जिलों में बारिश हुई, जिसमें भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। राज्य के जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद समेत कई जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया।